सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹40,000, स्टॉक ₹50,000. बिजनेस को शुरू करने के लिए कैश ला रहा है, स्टॉक ला रहा है. जो भी चीज़ें व्यवसाय को शुरू करने के लिए लेकर आता है वो उसकी पूंजी कहलाते हैं. तो एसेट साइड में दो नाम आएंगे, कैश और स्टॉक, और उधर आएगा कैपिटल. सेकेंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. देखिए, बैंक में पैसा पड़ा हो या हमारी जेब में पैसा पड़ा हो, दोनों हमारा होता है, दोनों ही एसेट होती हैं. ये भी एक एसेट है, ये भी एक एसेट है, और ये भी एक एसेट है. कैश में से पैसा कम हो गया और बैंक में वो पैसा आ गया, तो एक ही तरफ, जब इक्वल टू के एक ही तरफ ट्रांजेक्शन होगी तो एक एसेट बढ़ेगी, एक घट जाएगी. अगर तराजू के दोनों तरफ चलेगा तो अगर इधर घट रहा बढ़ रहा है तो उधर भी बढ़ जाएगा, उधर घट रहा है तो उधर भी घट जाएगा. नंबर थ्री, परचेज्ड गुड्स बाय चेक. परचेज्ड गुड्स, एक नाम तो गुड्स है और दूसरा नाम है चेक. चेक का मतलब, चेक का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं. तो यहाँ पर हम कैश में से जमा घटा नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, बैंक में से जमा घटा करेंगे. गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ जाएंगी और बैंक में से पैसा हमारे पास से चला जाएगा. दोनों ट्रांजेक्शन एसेट साइड की हैं. फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट. मशीन, मशीन एक अलग तरह की एसेट है, इसको गुड्स में मत लिखेगा, अलग से एसेट का नाम दीजिएगा मशीन, और वहां पर इसे लिखेगा. उधार, जब भी उधार आएगा तो बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे, किस नाम से, लायबिलिटी के नाम से. फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रेंट पेड. रेंट पेड, जब हमने रेंट पे किया, कुछ भी पेड किया, क्या होता है हमारा वो एक्सपेंस. क्या करेंगे एक्सपेंस को, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस. चलो वीडियो को पॉज करके अपना फॉर्मेट दोबारा से बनाते हैं. वीडियो को पॉज कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में ही आप कर पाएंगे. हाँ जी, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स. एसेट्स के लिए अब की बार हम ज़्यादा जगह छोड़ेंगे, इक्वल्स टू, सबसे ज़्यादा जगह हमें एसेट्स के लिए ही छोड़नी है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और इसके नीचे एक लाइन और छोड़ देंगे, वो एक लाइन होती है लिखने के लिए कि क्या एसेट का नाम है. सीरियल नंबर के आगे लाइन खींच देंगे, ट्रांजैक्शन के आगे लाइन खींच देंगे, इसके आगे कहीं पर भी लाइन नहीं खींचेंगे. अब फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट था स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पर लिख दीजिए स्टार्टेड बिजनेस. स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने के लिए वो क्या क्या लेकर आया था. विथ कैश 40,000, स्टॉक 50,000. कैश 40,000, स्टॉक 50,000, दो एसेट्स के नाम है. यहाँ पर लिखा कैश, जमा, कैश का भाई स्टॉक. कैश आया 40,000, जमा स्टॉक आया 50,000. और व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो भी कैश या संपत्ति व्यवसायकर्ता लेकर आता है उसको कैपिटल का नाम दिया जाता है. यहाँ पर लिख दिया कैपिटल, बराबर के नीचे बराबर का साइन. पहली ट्रांजैक्शन के बाद में कोई भी बराबर लंबी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. ट्रांजैक्शन नंबर टू, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 20,000. बैंक में 20,000 रुपये जमा करा दिए. यहाँ पर लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड, बैंक में पैसा जमा कराया, पैसा हमारी जेब में हो चाहे बैंक में हो एक ही बात है. तो कैश हमारे पास से चला गया और नई एसेट बन गई एक बैंक, बैंक में पैसा आ गया. 20,000 यहाँ से चले गए और 20,000 बैंक में आ गए. वो पैसे जमा घटा करने के बाद में एक लंबी लाइन खींचेंगे, और लंबी लाइन खींचने के बाद में 40,000 में से 20,000 गया, तो 20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, बराबर के नीचे बराबर का साइन, और यहाँ पर आया 90,000. जमा घटा करने के बाद में जो आता है उसका नाम क्या रखते हैं हम, न्यू इक्वेशन. अब दोबारा से समझिए, आज की डेट में 20,000 कैश है, कैश तो शुरू में तो 40,000 था, 20 कैसे रह गया, क्योंकि 20,000 कैश हमने बैंक में जमा करा दिया. तो आज की डेट में 20,000 कैश है, 50,000 हमारा स्टॉक है, और 20,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े हैं, और टोटल मिलाकर कैपिटल लगी हुई है 90,000. अब ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, ट्रांजेक्शन नंबर थ्री क्या है, परचेज्ड गुड्स बाय चेक 1,000, चेक के माध्यम से. यहाँ पर लिख लेंगे हम परचेज्ड गुड्स बाय
चेक, चेक के माध्यम से हमने गुड्स खरीदी हैं, तो गुड्स हमारे पास आएंगी, और अगर कैश होता तो हम कैश में से घटा देते, चेक है तो हम बैंक में से घटा देंगे। 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपये की गुड्स आ गई स्टॉक में और 1000 रुपये हमारे बैंक में से पैसे चले गए। फिर एक लंबी लाइन खींचेंगे, कैश में कोई चेंज नहीं, 20,000, स्टॉक हमारा 50,000 से बढ़कर अब हो गया है 51,000, बैंक में जो पैसे पड़े थे पहले 20,000, 1000 रुपये चले गए, कितने बच गए हैं बैंक में 19,000, बराबर के नीचे बराबर का साइन, यहाँ पर हुआ 90,000। जब भी कभी आप न्यू इक्वेशन को टोटल करके देखेंगे हमेशा वो बराबर आएगी, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन कम्प्लीट, ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट, हमने मशीन खरीदी, कैसे खरीदी, उधार पर। यहाँ पर हमने अपनी ट्रांजेक्शन का नाम लिखा परचेज्ड मशीन, मशीन खरीदी हमने, उधार पर खरीदी, मशीन खरीद रहे हैं तो एक नई एसेट हमारे पास आ रही है, नई एसेट का नाम क्या है हमारा, मशीन, यहाँ पर हम मशीन लिख देंगे, मशीन कितने की है हमारी 10,000 रुपये की, तो मशीन आ गई 10,000 रुपीज़ की मशीन आ गई, और उधार पे खरीद रहे हैं तो क्या कैश गया हमारे पास से, नहीं, क्या बैंक में से पैसा गया, नहीं, हमने उधार पे खरीदी है, क्योंकि हमने उधार पर खरीदी है इसलिए हमारी बन जाएगी लाइबिलिटी, इधर हमने 10,000 प्लस कर देना है। अब हम इसको प्लस करेंगे, फिर से एक लंबी लाइन खींचेंगे और न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन जो भी हमारी आएगी आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है। मैं लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो है हमारा रेंट पेड, बताइए रेंट पेड, जैसे हमने पिछले पॉइंट में सैलरी पेड को किया था, क्या करेंगे हम इसको, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, पॉज करके धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन प्लस एक असाइनमेंट जो मैं आपको भेज रही हूँ मुझे कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे आप। थैंक यू।